गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं अनुपम घोष की लिखी गीतों भरी कहानी छोटी सी मुलाकात। आज आपको सुनवा रहे हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। वाचन स्वर है अनुपम घोष का। गीतों भरी कहानी में पिछले सप्ताह आपने सुना, कंचना ने खुद को जल्दी से संभाला और नमस्ते का जवाब सिर हिला कर दिया। युवक ने धीरे से पूछा, तैयार है? कंचना को अब तक सारी बात समझ में आ गई। ओ, तो इसे श्यामा जी ने भेजा है लेख लाने के लिए। कंचना ने धीरे से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ बस 2 मिनट और लगेंगे, आइए अंदर आइए। ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कंचना श्यामा जी पर हैरान थी। जब कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम होती थी तो वह हमेशा अपना चपरासी भेजते थे, और ये जो आज उससे लेख लेने आया है वो किसी भी एंगल से चपरासी तो नहीं दिखता, फिर इसे क्यों भेजा उन्होंने? और ये भी खुद से क्यों आया इतना छोटा सा काम करने? क्योंकि ये कोई साधारण कर्मचारी तो नहीं लग रहा। अच्छा भाई, जो भी है, खूबसूरत है, कपड़ों से भी अच्छे घर का मालूम होता है, फिर ये कौन हो सकता है? ओ, शायद ये उनका कोई रिश्तेदार है। जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग
आगंतुक को बैठाकर कंचना ने अपना लैपटॉप ऑन करते हुए उससे पूछा, आप शमा जी के रिलेटिव हैं? नहीं, उनका पड़ोसी हूं। ओके। कंचना के सामने स्क्रीन पर जैसे ही लेख आया, उसे उसमें फिर से एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह दिखने लगा। एक पल उसे यूं ही देखते हुए अपने दिमाग के इंजन को उसने दौड़ाना चाहा, लेकिन इंजन था कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। दौड़ने की बात तो बहुत दूर की रही। कंचना ने पलटकर आगंतुक से पूछा, चाय पियेंगे? आगंतुक ने कहा, नहीं नहीं, मैं चाय पीकर ही निकला हूं। आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी होगा तो अच्छा है। कंचना मुस्कुराकर खड़ी होते हुए बोली, गट फीलिंग तो यह कह रही है कि जल्दी ही होगा, लेकिन अब ये चाय पीकर ही कंप्लीट होगा। वैसे भी मैं बहुत देर से चाय बनाने की सोच रही थी, पर ना जाने क्यों टालती आ रही थी। शायद आपके साथ चाय पीने लिखी थी। मैं ठीक ठाक चाय बनाती हूं, उम्मीद है आप निराश नहीं होंगे। ऐसा कहकर कंचना हंसते हुए चाय बनाने पहुंच गई। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, हाँ हाँ हाँ, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। रंग रूप पे देखो हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। आपको लग सकता है कि कंचना क्यों करे अजनबी से इतना इनफॉर्मल हो रही है, तो इसका जवाब है कंचना का स्वभाव। कंचना किसी से भी कभी भी कहीं भी बिना किसी तकल्लुफ के बात कर लेती है। उसका यह बिंदास स्वभाव उसके लेखन की सामग्री जुटाने में बहुत कारगर साबित होता है। चाय सर्व करते हुए कंचना ने आगंतुक से पूछा, आप शक्कर तो लेते हैं ना चाय में? जी, लेकिन इतना बड़ा मग? मैं बड़े मग में ही चाय पीती और पिलाती हूं।
छोटा कप यहां नहीं मिलेगा आपको। अरे पीलो पीलो, बढ़िया चाय है, कंचना ने मग वापस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। आगंतुक ने मुस्कुराकर कंचना से चाय ले ली। कंचना अपनी चाय लेकर वापस लैपटॉप के सामने बैठ गई। उसने स्क्रॉल कर अपने लेख पर एक बार फिर सरसरी से निगाह फेरी। कुछ सोचते हुए उसने चाय का सिप लिया और पलटकर आगंतुक की तरफ देखा। उसकी निगाहें ना जाने क्यों उसी पर अटक सी गई। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे
चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या। आगंतुक बिना उसकी ओर देखे चुपचाप चाय पी रहा था। वो जिस अंदाज में चाय सुड़क रहा था उससे साफ था कि उसे चाय पसंद आई थी। आगंतुक को देखते देखते कंचना के चेहरे पर अचानक मुस्कान तैर गई और उसके मुंह से निकला, पकड़ लिया। आगंतुक ने चौंक कर कंचना की तरफ देखा। कंचना ने मुस्कुराते हुए अपने लैपटॉप पर लिखना शुरू किया और आगंतुक के बिना पूछे उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, इस आर्टिकल में कहीं कुछ मिसिंग था। क्या था ये मैं पकड़ नहीं पा रही थी, वही पकड़ में आ गया। कई बार होता है, ये सबके साथ होता है। चीज आपके सामने होती है और आप उसे देख नहीं पाते, लेकिन आप जब एक अंतराल के बाद उसे वापस ढूंढते हैं तो वो आपको नजर आ जाती है। आपके साथ भी होता होगा। क्या नाम क्या है आपका? युवक ने जवाब दिया, अचिंत। अचिंत? जब साक्षात ईश्वर घर पधारे हों तो अटकने का मतलब ही नहीं बनता। कंचना ने लेख कंप्लीट करते हुए अचिंत से कहा। कंचना की बात सुनकर अचिंत थोड़ा सकपका सा गया। उसके मुंह से निकला, क्या? कंचना ने अपने राइटअप के प्रिंटआउट का कमांड देते हुए अचिंत से कहा, अरे तुम्हारा नाम क्या है? अचिंत। हाँ, तो अचिंत ईश्वर को ही तो कहते हैं कि नहीं? कंचना के ह्यूमर पर अचिंत भी मुस्कुरा दिया। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से क्यों मुलाकात हो गई। आइए अब सुनते हैं आगे। लेख का प्रिंट आउट प्रिंटर से बाहर आते ही कंचना ने तुरंत उसे अचिंत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो। अचिंत ने प्रिंट आउट की तरफ देखते हुए कंचना से पूछा, ये क्या है? लेख जिसका शमा जी इंतजार कर रहे हैं। एक पल प्रिंट आउट को देखते हुए ना समझते हुए भी अचिंत ने उसे धीरे से लेकर सेंटर टेबल पर एक तरफ को रखते हुए पूछा, और पार्सल? कौन सा पार्सल? जिसे शर्मा जी ने लेने के लिए मुझे यहां भेजा है। आपसे फोन पर बात भी तो हुई होगी उनकी, अचिंत ने कंचना को समझाते हुए कहा। अचिंत की बात सुनकर कंचना ने उसे सुधारते हुए कहा, शर्मा जी नहीं, शमा जी। शमा जी? हाँ, तखल्लुस है उनका। कंचना की बात सुनकर अचिंत का सिर चकराने लगा। कंचना की बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। उसने कंचना से कहा, देखिए मुझे इतनी उर्दू आती नहीं है, पर हम लोग सालों से पड़ोसी हैं, शर्मा जी ही हैं वो। अच्छा छोड़िए ये सब, ये बताइए पार्सल के लिए कहा था ना उन्होंने आपसे? नहीं, कोई पार्सल नहीं, बस ये आर्टिकल है जिसके लिए शर्मा जी ने आपको यहाँ भेजा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए,
मांगे से ना मिले तो पसीना बहाइए, बहता है जब पसीना तो रूमाल चाहिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की है टेढ़ी ही चाल है, सीधे रस्ते की है टेढ़ी ही चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है सब गोलमाल है। अरे कपड़ा किसी ने कहा नहीं मैं दे दिया, चलो दर्जी के पास जाके वो पहले सिलाइए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। सिलाई चाहिए, सिलाई छेड़ने के लिए फिर पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए फिर पैसा चाहिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल माल गोल 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 माल है सब गोलमाल है। कंचना की बातों से अचिंत को मामला कुछ कुछ समझ में आने लगा। उसने कंचना से पूछा, ये D25 मिस्टर बैनर्जी का ही घर है ना? अचिंत के सवाल पर कंचना एक पल उसे देखती रह गई, फिर उसे एकटक देखते हुए बोली, बैनर्जी और बंदोपाध्याय एक ही होता है तो वो सही है, लेकिन यहां कोई मिस्टर नहीं रहता, मैं मिस कंचना बंदोपाध्याय रहती हूं यहां। पर यह भी आपकी मेन प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मेन प्रॉब्लम यह है कि यह डी नहीं B25 है। D25 यहां से बाहर जाकर जब आप सेकंड राइट से सीधे जाएंगे तब जो पार्क आएगा ना उसके बाद आता है डी ब्लॉक, कंचना ने अचिंत को समझाते हुए कहा। अचिंत ने तुरंत अपने हाथ में पकड़े चाय के मग को नीचे रखा और वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया। उसे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसने एड्रेस पहले कंफर्म क्यों नहीं किया। उसने तुरंत कंचना से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी। चाय से सॉरी क्यों बोल रहे हो? कंचना ने मुस्कुराकर कहा। अचिंत ने तुरंत कंचना की तरफ देखकर कहा, नहीं, I'm really sorry। ओके, सॉरी एक्सेप्टेड, पर चाय क्यों छोड़ दी भाई, वो तो पी लो, कंचना ने मुस्कुराकर उसे सहज करते हुए कहा। Oh,
अपनी लापरवाही से अचिंत मन ही मन शर्म से गड़ा जा रहा था। कैसे मुझसे इतनी बड़ी बेवकूफी हो गई, कैसे बिना कंफर्म किए मैं यहां तक आ गया। गर्मी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अचिंत के माथे पर पसीने की बूंद छलक आई थी। उसने शर्मिंदा होते हुए कंचना से कहा, सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक। इस तरह बिना पूछताछ किए मुझे आपके घर नहीं आना चाहिए था। इट्स ओके, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, चाय पियो, बड़ी मेहनत से बनाई है भाई। कंचना को उस अनजान शख्स पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो उसकी हालत देखकर मन ही मन हंसी आ रही थी। अचिंत से अब यहां बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन जिस सादगी और अनजाने अधिकार से कंचना ने उससे चाय पीने को कहा, उसे वो टाल नहीं पाया और उसने चाय के मग को वापस अपने होठों से लगा लिया। ओ जाना तेरे बिना खाली मेरा सीना, तू दौड़ी दौड़ी मेरे को ला जाओ, दूरी नहीं से पड़ा मैं, तू दौड़ी दौड़ी मेरे को ला जाओ, दूरी नहीं से पड़ा तेरे, हत्था जोड़े मत्था देके बैठा हूँ। मैनू माफी दे सजा भुगती मैं काफी, मैनू माफी दे काफी। चाय का सिप लेते हुए कंचना खामोशी से उसे एकटक देख रही थी। अब तक उसे पता नहीं था कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसे यहां नहीं होना चाहिए था। वो तो एक छोटी सी भूल के चलते यहां उसके सामने बैठा था, किंतु ये जो भी था कंचना के मन में अनजाने ही हौले से दस्तक दे रहा था। कैसे होता है ऐसा, क्यों, इसे ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। कई बार सड़क पर चलते हुए, कहीं बाजार में खरीदारी करते हुए, कहीं किसी यात्रा में, मंदिर में, मेले में या किसी समारोह में कोई अनजान शख्स अचानक आपको दिखता है और फिर अपनी झलक दिखाकर वो भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। वो एक झलक आपके हृदय में अंदर तक कहीं एक अनजानी सी हलचल मचा देती है। यहां तो वो अनजान शख्स कंचना के सामने बैठा था, उसकी बनाई चाय पी रहा था। हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से अनजान नहीं था, एटलीस्ट कंचना को उसका नाम तो मालूम था, अचिंत। किंतु सिर्फ नाम जानने से ही हम उसे अनजान की श्रेणी से पूरी तरह अलग तो नहीं कर सकते। जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया तो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे,
किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी के जमीन से भी कभी आसमान मिल गया, के जहां मिल गया। तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, अब जो आ गए हो, जाने न दूंगा के मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया। कंचना जब तक उसे अपनी आंखों से कुछ और टटोलती, अचिंत ने उठते हुए कंचना से कहा, चलता हूं, थैंक फॉर द टी एंड सॉरी फॉर माय स्टुपिडिटी। कंचना कहना तो चाहती थी कि उससे कहे कि इट वॉज प्लेजेंट स्टुपिडिटी, लेकिन उसने मुस्कुरा कर उससे कहा, चलो अनजाने ही सही तुमसे मुलाकात हुई, दोबारा आओगे? अचिंत सक पका गया, नहीं नहीं सॉरी, आगे से नहीं होगा ऐसा। ओ नो, मतलब तुम्हारे साथ चाय पीने का ये मेरा लास्ट चांस था? कंचना ने निराशा भरे अंदाज में पूरी गंभीरता से उससे पूछा। अचिंत की समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसकी टांग खिंचाई कर रही है या क्या। कंचना ने उससे फिर पूछा, कहाँ रहते हो? मुंबई। मुंबई जी। देखने में भोला है दिल का सलोना, मुंबई से आया है बाबू चिमन्ना। देखने में भोला है दिल का सलोना, मुंबई से आया है बाबू चिमन्ना। गली गली गांव की रे जाती है सोते सोते, गली गली गांव की रे जाती है सोते सोते। फिर से जाके है ऐसा, फिर से जाके है ऐसा। हम छोटे छोटे संग लेके आया है मेरा बचपना, बम्बई से आया है बाबू चिमन्ना। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिमन्ना।
की कहीं भूल मत जाना, सुनो मगर शहजादे जी कहीं भूल मत जाना। बुरी है ये नैनो वाली, बुरी है ये नैनो वाली, बनाती है दीवाना गाँव है ये परियों का, दिल को बचाना। बम्बई से आया है बाबू चिन्ना, देखने में भोला है दिल का सलोना। बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। अचिंत मुंबई में रहता है, ये सुनकर कंचना थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। उसे लग रहा था कि वो लखनऊ में ही रहता है। कंचना के पूछने पर अचिंत ने बताया, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ। ये सुनकर अचिंत की बात बीच में ही काटते हुए कंचना ने मुस्कुराकर उसके वाक्य को पूरा किया, तुम्हारे पड़ोसी शर्मा जी ने तुमसे उनका कोई पार्सल लाने के लिए तुम्हें D25 मिस्टर बैनर्जी के घर भेजा और बाई मिस्टेक तुम आ गए यहाँ मिस बंदोपाध्याय के साथ चाय पीने B25 में, राइट? अचिंत को फिर से शर्मिंदा होते देख कंचना ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया, न तुम ऐसा करते न तुमसे मिलना होता। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी अनजान आगंतुक से मिलना इतना मजेदार होगा, लेकिन अच्छा लगा तुमसे मिलकर। कब तक हो यहां? इस बात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी, अपने और मुलाकात जरूरी है अभी। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी, अपने के लिए साथ का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा
मिला दे कभी इस बात का वादा कर लूं हमसे एक और मुलाकात वादा कर लूं फिर मिलो दे कभी इस बात का वादा कर लूं। कंचना की बातों से अचिंत को मन ही मन बहुत सुकून मिला। अब वह खुद को पहले से सहज महसूस कर रहा था। उसने कंचना से कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप अचिंत कहते कहते रुक गया। कंचना ने पूछा, क्या आप क्या? अचिंत हल्का सा झेपा, कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं, बताओ। कंचना ने जोर देकर उससे जानना चाहा। उसे अचिंत से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। अचिंत ने अपनी अधूरी बात को पूरा करने के लिए उससे धीरे से कहा, आप बहुत अलग हैं। अलग है मतलब मेरे सींग है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब बहुत खुली खुली हैं। आई मीन प्योर, निश्चल, निस्वार्थ, बिंदास, मतलब कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट एंड मैं समझ गई कि मैं क्या हूं। नहीं, आई रियली मीन इट। आपको, अचिंत को बीच में ही रोकते हुए कंचना ने उससे कहा, पार्सल लेने के बाद वापस आओ। जी, तब करते हैं विस्तार से बात, फिर मैं जानूंगी अपने बारे में आपसे, है ना? समय होगा, जानेंगे एक दूसरे के बारे में डिटेल में। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से वो साथ तेरे, नाम मेरा जल की धारा। मुझे जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, नाम मेरा जल की धारा। चलूं तेरे जब तक न कहे तू मैं हारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, नाम मेरा जल की धारा। अचिंत ने कंचना से अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि अब उसका पलटकर वापस आ पाना संभव नहीं है, उसकी वापसी की फ्लाइट है मुंबई की। ये सुनकर कंचना बोली, ओ तो ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है।
ये सुनते ही अचिंत ने तुरंत कहा, अगले महीने फिर आना है, तब मिलते हैं अगर आपको एतराज ना हो तो। कंचना ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तब मिलते हैं, नंबर याद रखना B25। यस मिस कंचना बंदोपाध्याय। मुस्कुराते हुए अचिंत ने उससे विदा ली। कंचना ने अपने घर का गेट बंद किया और फिर न जाने क्या सोचकर वापस उसे खोलकर घर के बाहर तक आई और तब तक अचिंत को जाता हुआ देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। अभी न जाऊं छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। कंचना घर के अंदर आकर बैठी ही थी कि डोरबेल फिर बजी। कंचना ने दरवाजा खोला, सामने श्यामा जी का चपरासी था। अपने लेख का प्रिंटआउट उसे देकर कंचना ने दरवाजा बंद किया और खुद अंदर आकर
कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर बाहर देखने लगी। उसने तुरंत अपना चेहरा खिड़की से बाहर किया। बाहर की बेरंग रूखी हवा में उसे एक अनजानी और भीनी भीनी सी महक महसूस हुई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके हृदय की गुदगुदाहट उसके चेहरे पर गुलाबी रंगत बिखेर रही थी। अचिंत की कही बातें उसके कानों में हौले से गूंजी। अगले महीने फिर आना है, तब मिलते हैं। बहाना है ये मुलाकात,
छोटी सी मुलाकात। अभी आप सुन रहे थे अनुपम घोष की लिखी ये गीतों भरी कहानी, वाचन स्वर अनुपम घोष का था। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की थी। हम विविध भारती राष्ट्र